ओम शांति। आत्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम सदा ही मधुर होता है, चाहे दिया जाए चाहे लिया जाए। प्रेम के बिना जीवन नीरस है। आत्म क्रांति का, आध्यात्मिक क्रांति का प्रथम सूत्र है निस्वार्थ आत्मिक प्रेम। जैसे श्वास आत्मा और शरीर के बीच सेतु है, उसी प्रकार प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु है। प्रेम आत्मा का भोजन है। आत्मा में छिपी वह ऊर्जा है, वह सफलता का सोपान है, जिसके द्वारा हम परमात्मा से मंगल मिलन मना सकते हैं। प्रेम के तीन रूप हैं। पहला, भौतिक प्रेम अर्थात मनुष्य का पदार्थगत प्रेम, जिसमें धन संपत्ति, रुपया पैसा, महल गाड़ी इत्यादि सब आ जाता है। दूसरा है मानवीय प्रेम, जो मनुष्य का मनुष्य के प्रति होता है। तीसरा, आध्यात्मिक प्रेम, जो आत्मा का परमात्मा से होता है। एक संत से किसी ने पूछा, मुझे जीवन शुद्धि के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए एकमात्र नियम बता दो। मैं बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना मैं शास्त्रों को जानता हूँ। बोलने में कुशल जो संत थे कुछ देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम प्रेम करो, सब नियम पूरे हो जाएंगे। नियम तो हजारों हैं, कौन कौन से नियम का पालन करोगे? और देखो, जिंदगी तो कितनी छोटी है। परमात्मा भी कहते हैं, बच्चे अपना समय इन छोटी छोटी बातों में नहीं गवाओ। कभी पुराने संस्कार रूपी शेर का वार, कभी आंखें धोखा देती हैं, कभी कान धोखा देते हैं, कभी कुत्ता आ जाएगा, कभी बिल्ली आ जाएगी, फिर एक एक को छुड़ाने में आप थक जाएंगे। इसलिए ज्योति बिंदु परमात्मा से प्रेम की लगन लगाओ, तो उस लगन की अगन में सभी कमी कमजोरियां भस्म हो जाएंगी। इस लगन की अगन का आधार है प्रेम। परमात्मा प्रेम के सागर से हमारा प्रेम संबंध जुड़ जाए, तो सब नियमों का पालन करने का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि अन्य सभी नियम स्वाभाविक रूप से जीवन में उतर जाते हैं। जिससे प्यार होता है, उसकी शिक्षाओं से सहज ही प्यार हो जाता है। बिना प्रेम के कोई नियम पूरा नहीं होता। प्रेम का अर्थ है बांटना। प्रेम की एक ही भाषा है, बिना अपेक्षा के सबको दो। प्रेम का एकमात्र सूत्र है, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो। प्रेम के संबंध में दो बातें हैं। पहली, दूसरों को प्रेम देना, क्योंकि प्रेम की भूख सारी दुनिया को है। दूसरा, परमात्मा से प्रेम पाना। जो देता है वो पाता है। जीवन स्नेह पूर्ण हो जाए, उसके लिए स्नेह देना सीखे। स्नेह कोई गिलास में भरकर पी लेने जैसा नहीं है, स्नेह तो देकर पाने योग्य है। स्नेह कोई वस्तु नहीं है, स्नेह तो एक भाव है। ऐसा नहीं कि स्नेह की संपदा किसी के पास नहीं है, आत्मा का स्वभाव ही स्नेह पूर्ण है। ओम शांति।